यार ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक होने वाला है कि लोअर सैलरी वाली जॉब क्यों लें, नॉन ब्रांडेड जॉब क्यों लें। क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज हो चुका है, मैंने भी अपने कॉलेज के टाइम पे एक हायर सैलरी बिगर ब्रांड नेम की जॉब ले ली और फिर 2 साल में उसमें फंस गया। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी वही गलती करें। और मैं बहुत बार देखता हूँ, बहुत बच्चे मुझे डीएम करते हैं कि भैया मेरे माइक्रोसॉफ्ट में हो रहा है, मेरा अमेजोन में हो रहा है, बट ये रोल है, बट वो रोल है, मेरा सिस्को में हो रहा है, बट वो रोल है। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि गोल्डन हैंडकफ्स क्या होता है। हैंडकफ्स का मतलब होता है हथकड़ी, है ना। हथकड़ियाँ होती हैं बट सोने की हथकड़ी होती है, और ये सोने की हथकड़ी वाले जॉब्स इंडिया में बहुत लगते हैं। तो अगर आप प्लेसमेंट में बैठने वाले हैं, ऑफर एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल से देख ले। थोड़ा आपको अपनी कहानी बता दूं। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने 2012 में ग्रेजुएशन किया और वहां से मैंने साइप्रस सेमीकंडक्टर में जॉब लिया। साइप्रस सेमीकंडक्टर में मेरा जॉब नेटवर्क सिक्योरिटी का था, बहुत ही अच्छा जॉब था, काफी पैसे भी मिलते थे। उस समय मुझे 10-12 लाख सैलरी मिलती थी, 9 लाख कैश थे, 3 लाख ईसॉप्स थे, तो काफी खुश था मैं, काफी अच्छी सैलरी थी 2012 में। पर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं तो फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि जिस रोल में मैं था उस रोल में वो सैलरी बहुत हाई थी, ठीक है, उस रोल में कोडिंग था नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं करनी होती थी। तो अब क्या हुआ, अब मैं साइप्रस से किसी और जॉब में भी नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं की मैंने 2 से 3 साल। और जिस जॉब में मैं था उस जॉब में मैं जॉब चेंज नहीं कर सकता था क्योंकि पैसे भी बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, तो बाकी मार्केट में उस रोल पे कम पैसे मिल रहे थे। और अब जब मैं लोगों से बात करता हूं तो बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं, बच्चों को लॉक कर लेती हैं 2 से 3 साल। क्या करती हैं? एक तो वो अपना ब्रांड नेम अच्छा रखती हैं, तो वो जाती हैं। सारी कंपनीज ऐसा करती हैं, सिस्को करती है, अमेजोन करती है, माइक्रोसॉफ्ट करती है, गूगल करती है, आईटी रोल्स में बहुत ही स्मार्ट लोगों को हायर कर लेती है। इससे कोई गलत नहीं है, कंपनी को पैसे बनाने से मतलब है। पर आपके साथ क्या होता है, आप ठहरे एकदम स्मार्ट प्रोग्रामर, आपने अपने कॉलेज की बहुत ही टॉप प्लेसमेंट तोड़ी, बट आप ऐसे रोल में फंस गए जिस रोल में ग्रोथ नहीं है। आप आईटी सपोर्ट रोल में चले गए, आप सिस्को के टैक रोल में चले गए, इन रोल्स में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है और बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, दोनों प्रॉब्लम्स हैं एक साथ। तो अब अगर आप सिस्को टैक रोल में 8 घंटे आप सपोर्ट दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, पर आप करोगे क्या? फिर वहां से निकलने के लिए बहुत मुश्किल पड़ती है। वहां से निकलने के लिए फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है, एमएस करो या एमबीए। और जबकि आप अपने टाइम पे अपने कॉलेज में बहुत ही तोड़ प्रोग्रामर रहे होगे, पर आपने एक छोटी सी गलती कर दी, ब्रांड नेम या पैसे के चक्कर में रोल के बारे में नहीं सोचा। रोल के बारे में जरूर से सोचिए। और अगर आप वहां फंस गए हैं तो सिर्फ एमएससी एक रास्ता नहीं, एक और रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि प्रोग्रामिंग का दामन न छोड़े। अगर आप ऐसे रोल्स में चले भी गए हैं तो भी प्रोग्रामिंग करते रहें, इंटरव्यू प्रिपरेशन करते रहें, और जल्दी से जल्दी इन तरह के रोल से निकले जिस रोल में आप डेवलपमेंट एक्टिव प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं। मैंने कई बार ये बात कही है कि पहले 5 साल हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक्टिव प्रोग्रामिंग ही करनी चाहिए, कोई भी और रोल काम का नहीं। क्योंकि अगर आपने पहले 5 साल प्रोग्रामिंग की तो आप फिर बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेस ही नहीं बना सही से तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए अगर आप ऐसे रोल्स में हैं तो भी आज से कल से प्रोग्रामिंग को वापस से शुरू कीजिए, प्रोजेक्ट्स बनाइए और नए जॉब में निकलिए। देखो बहुत मुश्किल होता है खुद को समझाना कि यार किसी कोई कंपनी मुझे इस रोल में इतना पैसा दे रही है, या फिर ओरेकल इतनी अच्छी कंपनी है, इतना पैसा भी दे रही है, मुझे सही लोकेशन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। पर आपको अभी लाइफ में इतनी अर्ली इन चीजों को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लर्निंग ऑप्टिमाइज करनी चाहिए, अपना रोल, अपना ग्रोथ ऑप्टिमाइज करना चाहिए। अगर आप इन चीजों को ऑप्टिमाइज करने लगोगे कि लोकेशन है भैया, भैया मुझे इतना पैसा भी मिल रहा है, भैया कंपनी का नाम भी है, ब्रांड नेम भी है, तो ये गलत है। ये सब आपको मिल जाएगा टाइम के साथ। अभी सिर्फ और सिर्फ कोर डेवलपमेंट जॉब्स पर ही फोकस कीजिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ का यही बेस्ट रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे बहुत ही काम वाले और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आने वाले हैं। और कमेंट से मुझे बताइए कि आप या आपका कोई दोस्त गोल्डन हैंडकफ में फंसा है क्या, और अगर फंसा हुआ है तो उसके बारे में मुझे बताइए और उसको ये वीडियो जरूर से दिखाइए। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, चैनल पे है, कि गूगल क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए आपको। मुझे कई बार गूगल के ऑफर आए और मैंने ज्वाइन नहीं किया, और मैंने उसकी भी रीजनिंग आपको बताई है, तो वो वीडियो भी जरूर से जाके देखें, वो आपके करियर में काफी काम आएगा।